साल का पहला ठंडा दिन रहा बुधवार का। शीतलहर से ठिठुरे जिलेवासी, पहली बार न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। नगर पालिका ने नहीं किए अब तक अलाव के इंतजाम। आशा और उषा सहयोगी कार्यकर्ता संगठन में हुई दो फाड़। एक संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 दिसंबर से कर रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो दूसरे संगठन ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंप कर स्वयं को हड़ताल से बताया दूर। दिसंबर माह का मानदेय नहीं मिलने पर जताई नाराजगी, कहा कि हड़ताल के चलते हमारा न रोका जाए मानदेय। ठंड के तेवर लोगों को कर रहे बीमार। जिला अस्पताल में शिशु वार्ड में रोजाना हो रहे बच्चे भर्ती। निमोनिया विंटर डायरिया से पीड़ित बच्चों की बड़ी संख्या। विशेषज्ञों ने पालकों को दी बदलते हुए मौसम से बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह। अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता संघ ने एक दिवसीय काम बंद हड़ताल की बनाई रणनीति। 30 जनवरी को विभिन्न मांगों को लेकर की जाएगी एक दिवसीय हड़ताल। रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में सौंपा जाएगा ज्ञापन। बालाघाट रेलवे स्टेशन में स्थित रेक पॉइंट बन रहा आसपास के रहने वालों हजारों लोगों के लिए परेशानी का कारण। इलाके में बढ़ रहा प्रदूषण सेहत पर पड़ रहा है विपरीत प्रभाव। 1.5 साल पहले सांसद और रेलवे के अधिकारियों ने भी की थी रेक पॉइंट विस्थापित करने की बात, लेकिन नहीं देखने मिली सकारात्मक तस्वीर। लालबरा के ग्राम पंचायत नवेगांव के ब्लॉक मरारमाली समाज के तत्वाधान में मनाई गई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती। विभिन्न कार्यक्रमों के किए गए आयोजन। बारिश की फुहार ने बढ़ाया ठंड का सितम। बुधवार को दिन भर नहीं निकली धूप, रहा सीजन का सबसे सर्द दिन। जिले भर में मलाजखंड रहा सबसे सर्द क्षेत्र। लालबरा के सेवा सहकारी समिति में खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल धान। तेज बारिश होने पर धान हो सकती है गीली। किसान व समिति प्रबंधक हो रहे परेशान। वाराणसी स्थित अभियंता कार्यालय में यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर की आयोजित हुई आवश्यक बैठक। आउटसोर्स संविदा विद्युत कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बनाई रणनीति। 6 जनवरी से आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। फैलांजी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंड के पार और चीचोली के बीच नदी किनारे जंगल में एक अज्ञात युवक की छत विछत हालात में बरामद की गई लाश। सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की लगी भीड़। मृतक की चप्पल और कपड़ों से परिजनों ने की पहचान। धान खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुकिंग नहीं होने से किसान हो रहे परेशान। 5 जनवरी अंतिम तारीख को बढ़ाए जाने की किसानों ने मांग की। जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में लांजी थाने में 2 अलग अलग लोगों ने की शिकायत। डबल मनी मामले के सरगना सहित अन्य आरोपी के विरुद्ध मामला हुआ दर्ज। सात जनवरी तक नहीं लगेगी नर्सरी से कक्षा 5वीं की कक्षाएं। ठंड को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने की घोषणा। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से मिलने निर्देश पर लिया गया फैसला। स्कूल लगने के समय में भी किया गया बदलाव। 9 जनवरी से सुबह 9:30 बजे लगेंगे स्कूल। सभी शासकीय, शासकीय, ICSE और CBSE स्कूलों में लागू होंगे निर्देश।